अरे टेक्टोपा जी कैसे हो? अरे भैया जी ठीक है भैया जी। अरे सुना है इस टाइम बहुत ज्ञान पी रहे हो ये अपना गैजेट का। भैया जी देख तो रहे कुछ गलती हो गई क्या? कैसा है कि हमारे पिताजी का जो है जन्मदिन आ रहा है, समझे क्या? तो मैं उनको एक बड़ा सा तोहफा गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो आप हमें बताइएगा कि हम क्या गिफ्ट करें, ठीक है? और आप जो बताएंगे ना पिताजी को पसंद भी आना चाहिए। हाँ, और देने के बाद लगना चाहिए कि गद्दी के अगले हकदार हम ही हैं, समझे क्या? आग भी है भैया जी, इसमें कौन सी पीड़ित? हाँ तो अगर आपका बताया पसंद नहीं आया तो समझ रहे हैं ना, अमर हम है तो नहीं। ठीक है भैया बता देंगे, आप जाइए। चलो मिलते हैं फिर, मिलते हैं। ठीक है भैया जी। जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल पर। तो आज मिला है आपके लिए बहुत ही जबरदस्त तोहफा गैजेट, जो आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, हो भी सकता है क्या पता आपके लिए भी हो, बट ये आपके डैड दादू दादी इन लोगों की ज्यादा यूज में आ सकता है, जिनको ज्यादा इंटरनेट वगैरह चलानी नहीं आती या वो पुराने जमाने के हैं। चलिए फटाफट से मैं दिखाता हूं क्या है ये प्रोडक्ट, और उनके लिए भी है जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा है, थोड़ा बताना पड़ेगा उनको भी। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कौन सा है प्रोडक्ट, क्या है वो चीज, ज्यादा सस्पेंस नहीं रहता, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये है वो प्रोडक्ट, दिख रहा है आपको, देख लो। इसको हम कहते हैं सारेगामापा कारवा मिनी प्लस। बहुत ही अच्छा स्पीकर है, ये उनके लिए है जो पुराने जमाने के हैं, जिनको ज्यादा गाना डाउनलोड करना पसंद नहीं है, पुराने गाने सुनते हैं, मोहम्मद रफी के गाने हो गए, लता मंगेशकर के गाने हो गए, या कुमार सानू के गाने, जो पुराने जमाने के 90s के गाने हैं। आपको यूट्यूब पे तो चलो मिल जाते हैं, आपको मिल जाते हैं, लेकिन वो भी HD में नहीं होते, हाई क्वालिटी में, मतलब अच्छी ऑडियो नहीं होती है, बट इसके अंदर काफी अच्छी और क्वालिटी में ऑडियो है। सारी चीजें मैं बताता हूँ आपको, पहले खोल लेते हैं, बॉक्स दिखाता हूँ खोल के आपको मैं, इसके अंदर और क्या क्या आपको मिलेगा, अनबॉक्सिंग क्या ही दिखाओ, सीधा प्रोडक्ट दिखाता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले आपको मिलता है ये छोटा सा प्यारा सा स्पीकर, जो आता है वुडन फिनिश के साथ, बताएंगे इसके बारे में बताएंगे, पहले बाकी सारी चीजें बताता हूँ आपको बॉक्स में और क्या क्या मिलता है। एक तो वही यूजर मैनुअल वारंटी कार्ड वगैरह, फिर वही कैसे FM को सेटअप करना है, वो चार्जिंग केबल एक्सेट्रा, वो सब क्या ही दिखाना, सीधा बात करते हैं स्पीकर पे। बॉक्स को मैं अच्छे से पैक करके साइड में रख देता हूँ। तो ये है वो हमारा मेन प्रोडक्ट, देखो दिखने में कितनी अच्छी फिनिश है, फुल चौचक सी फिनिश है, प्रीमियम सी फिनिश है, चारों साइड से देखो, स्टार्टिंग में इसके ऊपर जो सिंगर से पुराने जो फेमस सिंगर से उनकी फोटो भी बनी हुई है अच्छी सी, ये ग्रिड भी लोखंड की है, साइड की जो बैक है वो वुडन प्लस प्लास्टिक से ऐसा कुछ मिक्स लग रहा है, लेकिन फील अच्छी आ रही है, बैक में भी प्लास्टिक फील है, एक रेडियो एंटीना दिया हुआ है जिसको आप ऐसा खोल के सेटअप कर सकते हो, पुराने जमाने वाला छोटा सा सेटअप, अगर आपको अपना डेस्क सजाना है तो उसके भी यूज में ये आ सकता है, बहुत ही दिखने में अच्छा लगता है, प्रीमियम फील आती है आपके टेबल पर, तो इसको भी यूज करके आप गाने वगैरह सुन सकते हो। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, फटाफट से आपको एक एक चीजें बताता हूँ। इसके अंदर आता है आपको 10 वॉट का स्पीकर, जो बहुत ही अच्छी ऑडियो निकाल के दे देता है। इसके अंदर है ब्लूटूथ, FM, USB के थ्रू भी बजा सकते हो, प्लस इसके अंदर डेडिकेटेड बटन है सारेगामा कारवा का, जिसको अगर प्रेस कर दोगे तो इसके अंदर 1000 से ज्यादा गाने भरे हुए हैं, जिसको आप बैक टू बैक सुन सकते हो फुल HD क्वालिटी में विदाउट एनी एड। इसके ऊपर आपको बटन मिल जाएंगे इसको ऑपरेट करने के लिए, पीछे आपको USB बटन मिल जाएगा, ऑक्स इन बटन मिल जाएगा जिसके थ्रू आप इसके अंदर भी गाने बजा सकते हो, प्लस एक ऑक्स आउट का बटन है, मतलब इसमें आप हेडफोन ईयरफोन वगैरह लगा के भी सुन सकते हो, प्लस एक रीसेट बटन है जिसकी वजह से आप इसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट मोड पे चला जाएगा। यहाँ पर इसकी चार्जिंग सॉकेट की बटन है, एक चार्जिंग का यहाँ पे लाइट है जो इंडिकेट करती है कि कितना चार्ज है क्या है वो बताती है, जब चार्ज में लगाओगे तो रेड बत्ती जलेगी, फुल चार्ज जाएगा तो लाइट बंद हो जाएगी, उससे आपको समझ जाएगा कि फुल चार्ज हो गया। अभी इसमें FM आपको कैसे सेट करना है, पता है आपको FM में तो नेटवर्क पकड़ाने होते हैं, जब तक आप वो नहीं पकड़ाओगे नहीं चलेगा ये, तो इसमें ये बटन दी हुई है जैसे कि आप देख सकते हो ये वाली बटन, इसको थोड़ी देर के लिए 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखोगे तो जो भी रेंज में जिसकी फ्रीक्वेंसी ये कैच कर रहा है प्रॉपर तरीके से कैच कर रहा है, जिसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो वो ढूंढ लेगा, उसके बाद ये प्ले हो जाएगा अपने आप FM मोड में। ब्लूटूथ के थ्रू भी बजा सकते हो, सारेगामा कारवा का जो सबसे अच्छा बटन है वही, मतलब जिसके लिए लोग खरीदते हैं, इसका मेन पर्पस तो वही है सारेगामा कारवा के लिए, USB में गाने भर कर भी आप इसके थ्रू बजा सकते हो। भाई कुछ लोग अभी भी शौकीन है जो पेन ड्राइव में गाने भर के रखते हैं, बस प्लग किया ऑन किया बजने लगा, तो ये उसको भी सपोर्ट करता है। इसकी ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, देखो 10 वॉट का स्पीकर है तो ज्यादा ऑडियो तो नहीं आएगी, एक्सपेक्ट भी मत करना, मैं 10 वॉट में तुम देख रहे हो कितना छोटा सा है, मतलब मेरे हाथ के बराबर देखो, देख रहे हो कितना छोटा है, तो 10 वॉट का स्पीकर है, ज्यादा ऑडियो नहीं आती, मतलब जो भी ऑडियो निकालता है काफी अच्छी ऑडियो निकाल के दे देता है। और इसकी बैटरी बैकअप की बात करें तो बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम करती है 5 से 6 घंटे चल जाएगा, और चार्जिंग टाइम भी उतना ही है, 3 से 3.5 घंटे में फुल चार्ज होता है। मुझे तो भी उतनी बैटरी बैकअप दे रहा है क्योंकि मैं फुल वॉल्यूम पे नहीं सुनता, अगर आप फुल वॉल्यूम पे सुनोगे तो आपको मे बी 3.5 घंटे 4 घंटे बैटरी बैकअप दे। अगर आप चाहते हो कि इसका मैं कुछ महीने बाद का रिव्यू डालूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, मैं उसका भी रिव्यू डाल दूंगा कि पुराना होने के बाद ये बैटरी बैकअप कैसा दे रहा है, वो भी आपको पता चल जाएगा। बट यार मेरी मानो
अगर आपके कोई डैड है जिनको ज्यादा मोबाइल वगैरह ऑपरेट करने नहीं आता, वो यूट्यूब वगैरह नहीं देखते, उनको नेट का इतना कुछ पता नहीं, उनको जस्ट गाने सुनने प्लग लगाया बजना चालू हो गया ऑन करते, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। आपको मतलब जब तक वो यूज कर रहे हैं इस चीज को ना, हमेशा आपकी तारीफ करेंगे, कभी आपकी बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज है ये। वैल्यू फॉर मनी तो है ही, बट इसका एक ही ड्रॉबैक है, इसकी ऑडियो बहुत ही स्लो है, मतलब ज्यादा लाउड नहीं है, बेस भी अच्छा निकाल के दे देता है, ट्रबल्स भी अच्छी, मतलब जो बोलते ना एक एक्चुअल साउंड होना चाहिए गाने का वो निकाल के देता है, ऐसा नहीं कि एकदम बूम बूम बेस, नहीं कुछ नहीं वैसा, सिंपल एंड स्लीक। आप आराम से बोलते ना लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो आप कहीं पे कार में, छोटा सा स्पीकर है, अच्छी आवाज में बज रहा है, हाथ में एक कप चाय है और आप चाय पी रहे हो, गाने सुन रहे हो और आनंद ले रहे हो, तो ये वो वाली फीलिंग के लिए है। तो ये हम जैसे जनरेशन के लोग हैं जिनको नए गाने सुनना पसंद है, बट पुराने गाने भी सुनना ज्यादा प्रेफर करते हैं, उनको ज्यादा पसंद आता है पुराने, जैसे मुझे पुराने गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है लॉन्ग ड्राइव्स पे, कहीं शांति से मैं बैठा हूँ, मुझे बस चिल करना है तो पुराने गाने सुनते हैं यार लोग, ये आजकल के गानों में क्या है बूम बूम, कुछ मजा नहीं आता, तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको आपका डेस्क भी सजाना है तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है, उसका एंटीना आपने निकाला मस्त छोटा सा एंटीना और अपने डेस्क पे साइड में रख दिया, तो देखो कितना अच्छा लगेगा देखने में, मतलब समझ रहे हो ना कितना भारी चीज है। इसमें बड़ा वर्जन भी आता है जो इससे थोड़ा सा महंगा है, वो भी आप ले सकते हो, उसमें गाने भी ज्यादा होते हैं। जिस रेंज में स्पीकर आता है उसमें आपको बहुत सारे स्पीकर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, बट ये जिस चीज के लिए बिकता है, पुराने वाले 1000+ गाने हैं ये उसके लिए बिकता है, लोग उसी चीज के लिए लेते हैं, लोग इसको उसलिए नहीं लेते कि पार्टी स्पीकर है हम बजाएंगे जाएंगे, नहीं उसलिए नहीं बिकता है। तो अगर आपको ये स्पीकर लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, मैं जाके खुद ढूंढता हूँ, सोचने वाले से बहुत है, क्यों मजदूरी करोगे, मैं बैठा हूँ ना, लिंक डाल दे यार, क्लिक करो डायरेक्ट जाके खरीदो, क्या फर्क पड़ता है, तुम ढूंढो या मैं ढूंढ के दूं, बात तो एक ही है, वहां से जाके खरीद लो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, और कोई आपका दोस्त है जो अपनी फैमिली मेंबर में अपने डैड को या दादा को गिफ्ट देना चाहता है, उनको पुराने गाने पसंद है, तो ये उनको डेफिनेटली गिफ्ट कर सकता है, उसको ये वीडियो भी भेज दो। देखो ऑडियो क्वालिटी सुना के कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आप ईयरफोन में सुनोगे, जो नेचुरली सुनने में साउंड आता है वो ईयरफोन में आपको मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं ऑडियो क्वालिटी टेस्ट जल्दी नहीं कराता, करा भी सकता हूं लेकिन मतलब समझ रहे हो कुछ फायदा नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं कराता, खुद जाके वहां सुनो, खुद जाके देखो, समझ में आएगा। ऑफलाइन स्टोर्स में यहाँ मिलता है, ये बहुत जगह पड़ी होती है, आप वहाँ पे जाके ऑडियो क्वालिटी टेस्ट कर सकते हो, मतलब मेरी मानो तो काफी अच्छी ऑडियो क्वालिटी है। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये वीडियो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्या पता उनके यूज में आ जाए, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और रुक रुक रुक, जिसके लिए हमने वीडियो बनाया उसको भी तो बता दें भैया, या आप भी अपने उनको दे सकते हो गिफ्ट, शायद उनको पसंद आए, शायद क्या बिल्कुल पसंद आएगा, उनको भी दे देना, और थोड़ा चलते हैं हम भी, राधे राधे।